गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अच्छी बज रहे हैं इस टाइम 10:30। मैं गोलू को लेके फिलहाल घर पर आई हूँ, क्योंकि गोलू थोड़ा सा वहाँ पे बंधा बंधा तो महसूस करता भी है, करता ही है। तो उसका थोड़ा सा मूड भी नहीं हो रहा था कि वहाँ पे वो चिड़चिड़ा रहा था और बस ऐसे ही पड़ा हुआ था बेजान सा। तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट घर पे कर लेंगे हम लोग, और गोलू ना घर पे आके बहुत अच्छे से खा पी लेता है। तो फिलहाल हम लोग गोलू को लेकर घर पर आए हैं। गोलू ने आज सुबह से 2 उल्टियाँ भी करी, मतलब वो जो भी खा रहा था वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पेट में उसके गैस फंसी हुई है। तो इस वजह से उसको दो 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 उल्टियाँ हो गई। तो फिर ये लगा कि उसको घर पे लेके जाए, थोड़ा सा ये फ्रेश वगैरह होगा तो अच्छा से महसूस करेगा करेगा। तो फिलहाल इसको मैं अभी मैं घर पे लेके आई हूँ, और नहा धो के वापस से फिर मैं जाऊँगी हॉस्पिटल गोलू को लेकर। गोलू अच्छा लग रहा है घर पे आके? गोलू को यहाँ पे लाके मैंने स्टीम भी दी, तो स्टीम से उसका कफ काफ़ी बाहर निकला, तो उसने उसे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर अपने बिस्तर पे लेट के तो गोलू बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो गाइस, फाइनली अभी मैं साईं हॉस्पिटल में बैठी हूँ, और गोलू इस टाइम पीडियाट्रिशियन वार्ड में है, और अच्छा है, सेफ़ है, थोड़ा सा अपना रिलैक्स है। अभी दवाइयाँ वगैरह चलनी चालू हो चुकी हैं इसकी, और अभी सिर्फ पेट का एक्सरे हुआ है, उसके लिए अभी उसको डायग्नोस नहीं किया गया है। तो अभी मालूम पड़ता है, देखते हैं थोड़ी देर में क्या रिपोर्ट में आता है और क्या बताते हैं डॉक्टर्स। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि गोलू ना सुबह से तो वॉमिट्स पे वॉमिट्स करा जा रहा था, और अब बिल्कुल थोड़ा सा ठीक है, अपना लेटा हुआ है, सो गया है फिलहाल, तो मेरे सामने ही सो गए, उठ सो रहा है, और मैं देख रही है कि मेरे को मैं कुछ बोल रही हूँ तो उठ चुका है। तो गाइस, फिलहाल अभी मैं साईं हॉस्पिटल में हूँ, एंड गोलू की ड्रिप वगैरह फिर से चढ़ गई है, और सारी रिपोर्ट्स जो है वो टेस्टिंग के लिए जा चुकी हैं। और मतलब ये चीज़ बोली जा रही है कि अभी तक रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, बस एक बार जो डॉक्टर हैं डॉक्टर क्या कहते हैं वो डॉक्टर के आने पे मालूम पड़ेगा। गोलू के रूम में ही बैठी हूँ, गोलू के वार्ड में बैठी हूँ, तो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती, बहुत धीरे से ही बोल रही हूँ। बाकी जो है गोलू बिल्कुल ठीक है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अभी बस मैं 2 मिनट के लिए पानी पीने के लिए बाहर क्या गई, इतनी देर में गोलू ने नींद में ड्रिप खींच दी, सब मैं उसने सब ड्रिप मतलब सारा पानी पानी कर दिया, सारा बिस्तर गीला कर दिया उसने, ड्रिप का सारा पानी बाहर फैल गया है। तो अभी तक गोलू बस सो के उठा है, जब से गोलू सो ही रहा है, जब से उसको बराबर ड्रिप चढ़ी है वो सो ही रहा है। बस ये है, थोड़ा सा अनकॉन्शियस भी था सोते सोते, बट अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा है। होप सो कि वो जल्दी से सही हो जाए, और हम उसे जल्दी से घर लेके जल्दी आ जाए, और वो जल्दी से कहे हाय गाइस। तो गाइस, फिलहाल बज रहे हैं 7:00, और मैं अभी भी गोलू के पास बैठी हूँ। गोलू अपसेट ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल शांत हो चुका है, जैसे कुछ बोल ही नहीं रहा। हम जैसे जान बूझ के इसको हंसाना चाह रहे हैं तो हंस नहीं रहा है, बोलना चाह रहे हैं कि हम इससे बोलें तो बोल नहीं रहा है, बस चुपचाप शांत है। थोड़ा डरा सहमा सा लग रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। गोलू बोलो, हाय गाइस, बोलो 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 गाइस, प्लीज प्लीज बोलो बोलो। तो देखा आपने, गोलू उस टाइम बोलना बिल्कुल पसंद ही नहीं कर रहा किसी से भी, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा, हमें से ज़बरदस्ती ना, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, हमें से चाह रहे हैं कि करवट ले ले, तो करवट भी बड़ी मुश्किल से दिलवाई इसको। हालांकि रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं, अब दूसरी डॉक्टर आने वाली है, वो एक बार और गोलू का चेकअप करेंगी, उसके बाद कल गोलू का अल्ट्रासाउंड होगा, अदरवाइज़ सब कुछ ओके है। बस गोलू फटाफट से गोलू सही होकर आ जाए, और चाह रही हूँ गोलू एक बार फिर से बोले हेलो गाइस। बोलो प्लीज बोलो, हेलो गाइस, फिर से बोलो हेलो गाइस, कैमरे में देख के बोलो हेलो गाइस। मेरे घर में ना गोलू की मजाक बनी हुई, मजाक क्या, गोलू को जो भी दिखता है वो एक बार ज़रूर छेड़ता है, हे गाइस, हेलो गाइस। तो इस टाइम मैं जानबूझ के गोलू का माइंड डाइवर्ट करना चाह रही हूँ। एक चीज़ और, गोलू ना लेटे लेटे थक गया, तो उसका जो बेड की एक साइड थी हमने वो थोड़ी सी लिफ्ट करवाई, जिससे कि गोलू क्या हल्का सा उठा, तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगा। अभी फ़िलहाल तो गोलू बहुत अच्छा सा मतलब रिस्पॉन्स अच्छा कर रहा है, बस ये चाह रहे हैं जो भी अल्ट्रासाउंड हो उसमें कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं निकल के आए, जो भी ये लग रहा है कि हल्का सा पेट में इन्फेक्शन है,
बाकी जो हम सोच रहे थे लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन है, जो भी हम सोच रहे थे वो कुछ भी नहीं निकला, सारी रिपोर्ट्स ओके हैं। हल्का सा पेट में इन्फेक्शन है, जैसे ही मतलब पेट की टेस्टिंग करी जाती है, पेट दबा के देखी, पेट दबा के देखा जाता है तो पेट में हल्का सा दुगोलू दर्द बताता है। दर्द बताओ नहीं है ये तो गाइस अभी गोलू के पापा थोड़ी देर के गोलू के डॉक्टर बन गए थे और वो देख रहे थे गोलू का पेट दबा दबा कर कि गोलू के पेट में कहाँ दर्द है। गोलू से हेलो गाइस, एक बार बोल दो प्लीज। हेलो गाइस, तो अभी जो है बस फिलहाल के लिए अभी इतना, अभी हम मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। गाइस बज रहे हैं इस टाइम 11:15 एंड अब एक्चुअली डॉक्टर आई थी तो डॉक्टर ने बताया कि गोलू को सिर्फ एक नॉर्मल फ्लू है एंड इसके साथ साथ उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। बाकी जो सिटी स्कैन वगैरह हुआ है उसके लिए वो अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही वो हमें कुछ रिवर्ट देंगी। हालांकि वो बोला, उन्होंने बोला है कि आपके बच्चे को कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ एक फीवर है और फ्लू है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा इस तरीके से रिएक्शन आया निकल के कि उसको फीवर जो है 104 और 105 आया। तो अभी तो गोलू भी सही है एंड देखो गोलू को बस ड्रिप्स वगैरह सब चढ़ चुकी, रात की डोज उसको मिल चुकी है। तो अभी हम जो है बस क्योंकि हम लोग आईसीयू में हैं तो सिर्फ मैं ही अलाउ हूँ इसमें सोने के लिए, मैं इसके पास सो रही हूँ और फिर उसके बाद ये रूम लॉक हो जाएगा अंदर से और जिसके कि सुबह खुलेगा। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही, होप सो कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो और जल्दी से मैं घर ले जाऊँ इसको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर, डू मोर शेयर, डू मोर लाइक्स, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर। टेक केयर, बाय बाय।